नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी के फतेहपुर में थरियाव थाना पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अवैध असलहों व कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। जनपद में पुलिस विभाग के मुखिया पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिल रही थी कि एक शादी समारोह के डीजे में कुछ लोगों के पास नाजायज असलहे हैं। सूचना पर तुरंत पहुंचे थाना प्रभारी उपेंद्र नाथ राय व टीम ने पहुंचकर सर्च किया तो सूचना सही पाई गई और भूपेंद्र, योगेंद्र, संजीव व राहुल को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 2 315 व 2 312 बोर के अवैध तमंचों के साथ 9 कारतूस भी बरामद किए हैं। इन पर आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह में आए कुछ युवकों के पास में उनकी गाड़ी में कुछ नाजायज असलहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सूचना में सत्यता पाई गई। इसमें 4 अवैध असलहा वहां से बरामद हुए हैं, 9 इसमें कारतूस बरामद हुए हैं और इस प्रकार से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार से जो नाजायज वेपन रखते हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से मुहिम चलाकर जनपद को वेपन मुक्त किया जाएगा। देखिए, अभी तक इन्होंने किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था और ना कोई फायरिंग की थी, परंतु सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी प्रकार से अवैध असलहा रखना ये बिल्कुल मान्य नहीं है और इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।